transfers, through reduction in income tax, through cut in corporate tax. I expect the impact to be in every sector of the society. Okay. Agar tax kam ho gaya hai aur taxpayer ke haath mein abhi zyada paisa bachta hai, it is up to him. He might go buy a car, he might go buy a home, he might make the first installment towards some purchase, or he might save. Wo sab decision agar janta karegi, khud karegi, uska asar zarur padega industry ke upar. सरकार ही डायरेक्टली फिस्कल इंसेंटिव देते ही एक सेक्टर को सुधारना ही, ऐसे नहीं है ना जी? बिल्कुल, तो सेक्टर नहीं देखे हम, ओवरऑल इकोनॉमी को देखे, ओवरऑल इकोनॉमी को देखे, ओवरऑल इकोनॉमी में भी हर क्षेत्र का कुछ ना कुछ हम राशि, धनराशि देने के कदम भी उठाए जी, उस धनराशि के द्वारा उस सेक्टर में, उस एरिया में क्या होगा उसका ब्लूप्रिंट भी दिखाए। बिल्कुल, सो गवर्नमेंट विल लुक एट इन अ बजट ऑल दिस रादर देन लुक एट वन सेक्टर और द अदर। फेयर इनफ मैम। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट और वो किक ऑफ नहीं हो पा रही थी पिछले दो साल से, वो हमने देखा, आपने भी एडमिट किया। अब आपने कहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स जैसे आपने अनाउंस किया, कुछ महीने हो चुके हैं, फिर भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट हमने कुछ बड़ी संख्या में नहीं देखा अभी तक, हमारे तक नहीं पहुंचा है या इसकी बात नहीं हुई है, इसका क्या कारण है? आपने लगातार इंडस्ट्री से बात की, आपने बहुत अच्छे फीडबैक लिए हैं और वो इनकॉर्पोरेट भी किए हैं, तो आपको क्या लगता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट साइकिल कब किक ऑफ होगी? दोस्तों, यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन करा। मैं बोल नहीं सकती हूँ उसको, मगर ये लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर कॉर्पोरेट टैक्स कट के वजह से डेफिनेटली उनको बेनिफिट मिला जी। और शायद उनके प्लानिंग हो रही है कि उस कट के द्वारा जो बेनिफिट उनका मिला है उसको कैसे उपयोग करना है। okay. सेव करना है या डिविडेंड के द्वारा उनके शेयर होल्डर्स का देना है, या उनके पहले की कर्ज को क्लियर करना है उसके बाद कुछ और सोचना है, वो उनके उनके प्रायोरिटी है। okay. उसमें मैं अभी कुछ कमेंट कर नहीं सकती हूँ। ठीक है, वैसे भी whatever route it takes, right, it is going to benefit the economy. If they are paying back their loans, banks books better, banks book will become better because they are paying their loans back. Or if they are giving dividend to their shareholders, better, more dividend, the shareholders, either ways it will help. Yes, so why should we expect it to be only in one form? एक बहुत अच्छी न्यूज मार्केट्स के लिए जो आपने करी, और आज मार्केट्स खुले थे सैटरडे होने के बावजूद, बट कहीं ना कहीं मार्केट्स ये बजट क्या समझा नहीं, क्योंकि 1000 पॉइंट गिरना थोड़ा निराशाजनक था, और 1000 पॉइंट ये चढ़ा था जब कॉर्पोरेट टैक्स का आपने अनाउंसमेंट किया था, तो कैसे इसको समझे? क्या मार्केट को ये बजट समझा नहीं है, और गिरावट की आपके हिसाब से क्या कारण है? आज मैं इतना जल्दी से मार्केट के बारे में कमेंट करने वाले नहीं हूँ, क्योंकि आज सैटरडे के कारण मार्केट फुल्ली वॉज नॉट पार्टिसिपेटिंग। अच्छा, मंडे वो ओपन होने के बाद मार्केट के रिस्पॉन्स देखना है। और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ पूरे बजट के असेसमेंट तब तक मार्केट करेंगे और उसके रिस्पॉन्स उसके बाद ही हम देखना होगा। ओके, सो आप कॉन्फिडेंट हैं कि मार्केट इसको समझेगा, क्योंकि जी आप उदाहरण के नाते लीजिए, डेट मार्केट भारत देश में कभी इतने विस्तार से एक बजट में डेट मार्केट के ऊपर बात जी, और इतने सारे एस्पेक्ट डेट मार्केट को डीपन करने का, कैसे ओपन करने का और उससे फायदा उठाने का, इतने विस्तार से हमने इस बजट सॉवरेन फंड का और उन सॉवरेन फंड से, वैसे हम इधर बैठे हुए नहीं दे रहे, उन सब से बहुत चर्चा हुआ और उनको इंटरेस्ट है भारत में इन्वेस्ट करने का, सो वी इवन एक्सटेंडेड सम बेनिफिट्स टू दैट, बेनिफिट्स हम देखेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल। ओके, एलटीसीजी में मैम थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, लोग सोच रहे थे कि आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हटाएंगे, डीटीटी तो बहुत बढ़िया स्टेप लिया, एबॉलिश हो गया है, एलटीसीजी क्यों नहीं आपने सोचा उस पर कुछ करने का? एलटीसीजी इंट्रोड्यूस करके कितने साल हुए जी? दो साल
और उससे जो इनकम सरकार को मिलना है वो अब शुरू होगा, क्योंकि पिछले दो साल धीरे धीरे इकोनॉमी का हालात भी जो भी, और अभी जब बेनिफिट आने का कगार में है हम LTCG के द्वारा, उस समय ऑलरेडी डिमांड है ना LTCG रिमूव करो, मैं DDT रिमूव कर दिया एक लिस्ट है पूरे लिस्ट में, अगर दो चीज छूट गए तो आपके बजट खराब, मैं क्या करूं। नहीं, आई अंडरस्टैंड मैम। नहीं, जो आपने किया है उसका तो डेफिनेटली मार्केट में बात हो रहा है, चर्चा हो रहा है। एक और बात है मैम, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हमें बढ़ना है, और आपने इस पे थोड़ा बात भी बोली है, जो स्टेप्स लिए इस बजट में कितने फंडामेंटल और ग्रोथ ड्राइव ड्रिवन होंगे इस बजट के स्टेप्स, क्योंकि आपने ये बजट को एक एस्पिरेशनल बजट बताया है, तो ये उस डायरेक्शन में कितना चल रहा है, जन जन का बजट है, तो इस पर सर मैम आप हमें बताएं। इसमें बहुत ही रिफॉर्म के फाउंडेशन, मतलब जो हो चुका है रिफॉर्म वो तो हो चुका है, उससे आगे बढ़ करके और रिफॉर्म करना है, इसमें सभी ब्लूप्रिंट हमने लेआउट कर दिया। सो रिफॉर्म के रास्ते तो बरकरार चलेगी, और मैं मानती हूं उसके वजह से इकोनॉमी में बोयंसी आने का डेफिनेटली संभव है। ओके, बिकॉज नाउ व्हाट इज द इश्यू, यू हैव अटेंडेड टू द सप्लाई साइड, राइट, यू आर नाउ गोइंग टू हैव टू गिव फॉर डिमांड साइड, वी आर डूइंग दैट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल हैपन व्हेन इट विल हैपन, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज हैपनिंग थ्रू द पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड, 100 लाख करोड़ which Prime Minister announced over the 5 years, I'm saying first year itself I'll give you, कितने भी चाहिए उतना different load करेंगे, ठीक है। ये सब अगर करते हैं, media will be asking me, ठीक है जी, मगर आप reform भी हम कर रहे हैं, तो हर पहलू को आपने टच अप किया। मैम डिसइन्वेस्टमेंट का फिगर, अब मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ, बहुत ही एम्बिशियस लग रहा है 2.10 लाख करोड़, और वो इसलिए क्योंकि अगर हम इस साल का टारगेट देखें वो ही आपने रिड्यूस करके 65,000 कर दिया जो 1.05 लाख करोड़ था, उसका कारण है। ओके, और कारण ये है कि पूरे एक साल नहीं हुई बजट के बाद, जुलाई में बजट, और जितने भी स्पीडीली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स काम करें डिसइन्वेस्टमेंट जैसे विषयों में, हर एक उनके अपने अपने श्योरिटी, मतलब डिसीशन सही होना है, इसमें प्रश्न चिन्ह उठाना नहीं है, बाद में आकर के CAG वगैरह ना होना है, ये सब सोच विचार करके डिपार्टमेंट जब मूव होते हैं, विद इन 6 months कितने दूर तक वो पहुंचे वो ही मुझे आश्चर्यजनक है, क्योंकि दे ऑल बीन वर्किंग ओवरअचीव्ड अकॉर्डिंग टू यू इन अ वे, बिकॉज विद इन 7 months EOI has been issued, expression of interest का डॉक्यूमेंट बाहर आ गया है, टाई अप हो चुके हैं बहुत सारे, आज इतने सारे बायर्स रेडी हैं, नॉट सिर्फ फॉर एयर इंडिया, BPCL हो, कॉनकॉर हो, सबके लिए आ रहे, ठीक है जुलाई बजट में मैंने बोला है, मगर उसका बेनिफिट जब सेल होगा वो इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर ना होते हुए अगले साल में उसको कैरी फॉरवर्ड आगे किया है। सो हर साल जो बजट के बाद हम चर्चा करेंगे, ऐसे अभी करना मुझे लगता है अनफेयर है, क्योंकि पूरे साल का एडवांटेज मुझे नहीं मिल रही है, 6 साल के अंदर पूरे एक साल का बजट का जितने भी कार्यक्रम होना है वो करके दिखाओ, अरे भैया 7 ही महीना हुए, नहीं बिल्कुल 80,000 से पर आपने थोड़ा बढ़ा दिया था इसलिए मैंने पूछा और वो मीट नहीं हुआ, तो हमने वापस 65,000 करोड़, बट ट्रूथ, दैट्स वेरी गुड, ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार बजट में आप निकाल कर देखिए हर जगह, आई मेड इट क्लियर इंटेंशन ऑफ माई इंटरव्यू दैट वी विल बी एब्सोल्यूटली रियलिस्टिक इन बजट, दैट्स द वर्ड, नॉमिनल GDP ग्रोथ पे जो आपने नंबर दिया है वो भी सबने बड़ा सराहा है क्योंकि वो रियलिस्टिक नंबर है, मुझे एज कम्पेयर टू, मुझे तो लगा कोई इनिशियली पार्लियामेंट में इसके ऊपर ध्यान से सुने नहीं, नहीं सुना, उन्होंने ये सोचा है कि मैं आई एम टेलिंग द GDP नॉट द रियल GDP, एंड दे सेड व्हाट, इसीलिए मैं दो बार उसको रिपीट किया, नॉमिनल GDP बस जी, तो वो भी रियलिस्टिक नंबर लगा और वो इम्पोर्टेंट है नोट करना क्योंकि वो 6-6.5% के बैंड में आएगा, तो आप कॉन्फिडेंट हैं ये ग्रोथ नंबर्स अचीव होंगे, बिल्कुल रियल GDP 10% आने में हमें मैम कितने साल है जिस पेस से हम जा रहे हैं, मैं नंबर स्पेकुलेट करना मुश्किल समझते बट मगर अभी समय लगेगा,
Now we will move faster. Now the intention of the government has been made clear. Wonderful. Money is going where it should go. Right. हमने disinvestment के द्वारा जो पैसा आएगा उसको revenue खर्च में ना करते हुए we are showing that we will invest in investments for infra. And that will go to those two companies which will manage investments in long-term risk-taking businesses. So we are directing and being absolutely responsible. Sure. Disinvestments ke paisa will not go for anything else but for asset creation. And unlocking the value That's and potential. All right. Ma'am, ek aur bahut badhiya khabar jo aapne di logo ko, wo hai personal income tax pe chhoot. Ya aapne recalibrate kar diya jo band hai. But ek usme jo, I would say, ek googly hai, wo ye hai ki wo optional hai. Aap chahe ye choose kariye ya aap exemption ke saath lijiye. Ki is saal mein hi humne force karke sabko is shift karna. उचित नहीं समझा ओके कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट टैक्स में भी वही रास्ता निभाई हमने कि यू शुड अलाउ पीपल टू मेक बिकॉज देयर आर एग्जेम्पशंस व्हिच दे आर एंजॉयिंग आई कैन नॉट फॉर जस्ट माय फैंसी थॉट से फॉरगेट योर एग्जेम्पशंस एंड कम हियर लेट देम एग्जॉस्ट द एग्जेम्पशंस इन कॉर्पोरेट टैक्स आई मीन हियर इट इज नॉट एग्जॉशन देयर इट इज एग्जॉशन पॉसिबल करेक्ट हियर व्हाट वी वांट टू टेल गोइंग बाय द सेम स्पिरिट is eventually this country should have a simple, easy to comply taxation. Okay. But ma'am, iska ek impact jo dikha aaj market mein, market ne isko aise samjha ki aap agar jaise health insurance aaj exemption aapko milta hai, ab aapne agar wo ek option de diya hai, to sare jo insurance company ke stock ne kaafi nosedive dikhaya iske baad. To I think unhone isko aise padha ya samjha. Aur is waqt jab इंश्योरेंस कंपनीज पे ऐसा इम्पैक्ट देखा है एलआईसी का आप आईपीओ की भी बात कर रहे हैं तो उसकी टाइमिंग आपको लगता है ठीक बैठेगी दोस्तों देश के सबसे अच्छे बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में वह भी सिर्फ 20 रुपये और दोस्तों साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए LIC का आप आईपीओ की भी बात कर रहे हैं तो उसकी टाइमिंग आपको लगता है ठीक बैठेगी नहीं बिल्कुल इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि आई एम सेइंग दोस्ट हू वांट टू कंटिन्यू इन द ओल्ड सिस्टम प्लीज कंटिन्यू और इन द न्यू सिस्टम ऑल्सो We are giving some exemptions, Achha. Which are those which look like your own savings being drawn out, VRS or leave encashment. We can't obviously deny those rights to the people. Mm. So, ye sab hum karte hue, we are moving. It's easy for me to say, the old system will continue, but after 4 years, we'll give you a simpler and minimum rate of tax. Okay. It's easy for me to say that. But we didn't want to say that. We wanted to start it off now and gradually move towards a system where all exemptions will go off. Mm. Now, it's also, I think, very, very patronizing to think that a taxpayer, if he has more money in his hand because he's paying less tax, will have to be told where his money should go. Is he not adult enough to take a call? Mm. Insurance mein dala? Your savings mein rakhna, dalo. Aapki marzi. You are an adult to choose. And also today, I would want them to move towards many other market instruments. Whether it's buying of shares, moving into mutual funds or debt market. Unke option hona chahiye. So, wo options aap zyada variety de rahe hain. एक सवाल क्योंकि आपने अंडर 5 लाख वालों को बेनिफिट दिया अप टू 15 लाख के लोगों को बेनिफिट दिया उसके बियॉन्ड गया मैम बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पर्सनल टैक्स हमें भी होना चाहिए कुछ रियायत वो नहीं आई है 30% का ब्रैकेट अभी भी वैलिड है आई अंडरस्टैंड द पॉइंट इज एवरीबॉडी वॉन्ट समथिंग आई ऑल्सो वॉन्ट समथिंग टू रन द कंट्री मैम एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू सबसे बड़ी एक और क्वेश्चन उठाया जा रहा है जो जीएसटी कलेक्शंस देखे जा रहे हैं आपको किस बात से लग रहा है कि कलेक्शंस अब बेहतर होंगे आपने ये टच अपॉन किया था किस बात से क्या लगना है पिछले 3 महीना कभी मैम वो एकदम से डिप भी कर जाता है तो डू यू थिंक अब ये कंसिस्टेंटली बढ़ेगा और आप जो कंप्लायंस और ये
टाइटन कर रहे हैं न्यूज, उससे बेहतर होंगे? क्या रियलिस्टिक नंबर आपको लगता है जाके वो स्टेबलाइज सेटल होगा? इट विल स्टेबलाइज इज माई फीलिंग, बट आई वोंट गेस ऑन अ नंबर बिकॉज एवरी थ्री मंथ्स इन द जीएसटी काउंसिल जी we reduce some rates. Yeah, that's what. You know, usse inversion badhta hai. Haan. Then you go about giving refund. Correct. Kamata kam, zyada refund. It's all right. Though refund is a duty that we have to give. I'm not grudging that. Ji. So when you have a GST system which every 3 months there are changes, it's very difficult for us to assess what you'll get in a year. That is why one of the requests I've given to the GST Council is, would they please consider that rate reduction or rate increase should be done once in a year, not every 3 months, because it becomes very difficult. Exactly, and I think I've asked the GST Council to think about it because it's they who should take a call on it. Okay. So, ये इम्पोर्टेंट आपने क्लैरिफिकेशन दिया मैम. दो बड़े इंटरेस्टिंग चीजें आपने बजट में बोली, विवाद से विश्वास. आई थिंक ये कॉइन ही बहुत अच्छी हुई है, टर्म आपने की है या आपकी टीम ने की है. इसका महत्व बताइए और इसका कितना इम्पैक्ट हम आपके इकोनॉमी ग्रोथ में देखेंगे? पहला चीज है कि हमने सबका विश्वास के नाम पर इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए टैक्सेशन से राहत देने के लिए एक कोशिश की जी, जिसका डेट भी 31 दिसंबर तक था, उसको जनवरी 15 तक एक्सटेंड किया जी. उसमें इतना अच्छा सक्सेस मिला. यस आई एग्री, हाई रेट वाले या बिग अमाउंट वाले आज भी उस सिस्टम में नहीं आए, वो लड़ना चाह रहे हैं कोर्ट में. ठीक है, आई कांट फोर्स एनीथिंग, बट मेजॉरिटी हु केम वे स्मॉल एंड मीडियम एंड लोअर इश्यूज वाले. बट उसमें नियरली 40,000 crores हमें मिल गए, 40,000, और बहुत सारे लोग अप्रोक्सीमेटली मेनी पीपल हैव फेल्ट द रिलीफ दैट नाउ एटलीस्ट दोज केसेस आर क्लोज्ड. नाउ आई डिड गिव द नंबर about 4,83,000 cases up in indirect taxes. Yes. So direct taxes ke liye ye scheme ke dwara 31st March ke ant tak we want to have people come and pay up just the disputed tax amount. No penalty, no interest, nothing on it. With that close the case. If not, you don't want to do it before 31st, you may do till 30th June. Acha. But that will be slightly different in rate. Okay. With that, we want to close it. You have 2 months. We want to end the cases which are pending on direct taxes. Vivad se vishwas. तो इससे आप बहुत सारे solutions निकालेंगे, and I think it's a win-win. At the end of the day, दोनों के लिए अच्छा है कि ये solution मिल जाए. मैम, आपने बात की थी LIC IPO और IDFC बैंक की स्टेक सेल, जो गवर्नमेंट IDBI बैंक की स्टेक सेल 47% जो गवर्नमेंट निकालना चाह रहे हैं. क्या ये LIC का स्टेक की हम बात कर रहे हैं और इसके IPO की कोई टाइमलाइंस, और सेम विद IDBI की बैंक की टाइमलाइंस, कब तक ये पूरा होने की बात? LIC का IPO के विषय में शीघ्र ही डिपार्टमेंट से सम डिटेल टाइमलाइन वगैरह आ जाएगा. IDBI हैज बीन समथिंग ऑन विच इट्स ऑलरेडी पार्टली गिवन ऑफ टू LIC, सो वी वांट दैट टू बी सोल्ड ऑफ, एंड वो भी इसी साल वित्तीय वर्ष कमिंग ईयर में. ऑफकोर्स आपने जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट नंबर, वो भी बहुत कीनली वॉच होता है, तो उस पर मैं जरूर कहना चाहूंगी कि इंडिया इंक खुश हुई कि गवर्नमेंट ने ये समझा कि इस वक्त जरूरी है कि स्पेंड करें, और थोड़ा सा अगर डिसिप्लिन नहीं भी मैच होता है तो चलेगा बिकॉज हमें ग्रोथ की जरूरत है. वो रिकग्नाइज किया 3.8, अगले वर्ष आपने 3.5 किया. इस पे क्या सोच थी एग्जैक्टली, और इससे आप कितना देखती हैं कि जितना पैसा आपके जो हाथ में आ रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही सारा स्पेंड हो रहा है, या आप और भी स्कीम्स पे देख रहे हैं? नो, देयर आर सम स्कीम्स व्हिच वी हैव अनाउंस्ड, बट द पॉइंट इज इफ 3.8 इज समथिंग व्हिच वी हैव टू टच बिकॉज द स्पेंडिंग इज मोर, वी हैव टू स्पेंड, वी हैव टू स्पेंड ऑन a lot of meaningful asset creation activities. We have to distribute money, we have to have people have more money in their hands and so on. So we needed to take this course also because our revenue generation was also getting weaker. Yes. So there was no go but to take the escape clause. Sure. But for the next year, with the revenue generation improving,
I don't see it being difficult to come down to 3.5. That's why the glide path has been again very realistic, I would say. And final sawal, ma'am, global uncertainty bahut hai, and I think India ki jo economy ki halat hai wo kuch had tak even external factors ki wajah se bhi, exports ek bada area hai jisme hum abhi bhi lag kar rahe hain, uske liye aap kaise dekhte hain ki hum aage लेवरेज कर सकते हैं अपनी पोजीशन, हम कहां इस पूरे स्कीम ऑफ थिंग्स में है, इस ग्लोबल सेटअप में जहां जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, कई कंट्रीज में आपस में जो चल रहा है, इंडिया इसको कैसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेवरेज कर सकती है टू इट्स ओन बेनिफिट? द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इज बीइंग गिवन अ पर्टिकुलर सपोर्ट मैकेनिज्म व्हिच इज WTO कंप्लायंट, सो दैट इंडस्ट्री वेयर वी सी अ लॉट ऑफ एक्सपोर्ट पोटेंशियल इज बीइंग ऑफर्ड अ स्कीम इन दिस बजट. Similarly, for others who were receiving some kind of a benefit scheme which were not WTO compliant, now will get a WTO compliant scheme. Okay. So they will also have the hand holding and support for export. And ma'am, finally, बहुत बहुत शुक्रिया. आपने इस पे कई महीने बहुत सारी मैराथन मीटिंग्स की, हमने देखा आपने इंडस्ट्री की बहुत फीडबैक लिया और बहुत हद तक और एक रियलिस्टिक बजट देने के लिए धन्यवाद मैम, शुक्रिया. थैंक यू. दोस्तों, यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा. ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए. और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया. तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए.